नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि लखनऊ से मिल रही है, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस अब 26 जनवरी को लेकर अलर्ट हो गई है। विधानसभा के आसपास सुरक्षा का व्यापक खाका तैयार किया गया है। पुलिस बल पीएससी जवानों के साथ अधिकारी तैनात रहेंगे। विधानसभा और आसपास के इलाकों में ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। आज फुल ड्रेस रिहर्सल के बाद ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जाएगा। 26 जनवरी की विधानसभा के पास विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम में लोगों को चेकिंग के बाद ही एंट्री दी जाएगी। बस बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड भी तैनात करे जाएंगे। इसके साथ ही सभी होटल सराय में संदिग्धों की चेकिंग के निर्देश भी जारी किए गए हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और एयरपोर्ट पर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी के निर्देश भी दिए गए हैं। भीड़ भाड़ वाले सभी स्थानों पर पुलिस तैनात रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। तो बता दें 26 जनवरी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। बता दें कि लखनऊ एयरपोर्ट को बम छुड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था और अब 26 जनवरी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस अब अलर्ट पर है। विधानसभा के आसपास सुरक्षा का व्यापक खाका तैयार किया गया है। पुलिस बल पीएससी जवानों के साथ अधिकारी तैनात रहेंगे। विधानसभा और आसपास ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। फुल ड्रेस रिहर्सल के बाद ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाएगा। 26 जनवरी को विधानसभा के आसपास विशेष सुरक्षा रखी जाएगी। कार्यक्रम में लोगों को चेकिंग के बाद ही एंट्री मिलेगी। बता दें पिछले दिनों एक शख्स ने लखनऊ एयरपोर्ट को बम छुड़ाने की धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने सर्विलांस की मदद से धमकी देने वाले के संबंध में जानकारी जुटाना शुरू की थी और उसके बाद पुलिस ने एक युवक को पकड़ा था और पूछताछ में पता चला कि युवक विक्षिप्त है। हालांकि इस फोन कॉल के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस अब अलर्ट पर आ गई है। 26 जनवरी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करती है। विधानसभा के आसपास सुरक्षा का व्यापक खाका भी तैयार किया गया। सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। भीड़ भाड़ वाले सभी स्थानों पर पुलिस तैनात रहेगी। ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह की धमकी सामने आई। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश को लेकर 26 जनवरी को लेकर धमकियां सामने आ चुकी हैं और इस बार एक विक्षिप्त का फोन कॉल सामने आया, जहां पर उससे अभी भी पूछताछ की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संजय पांडे का रुख करते। संजय, 26 जनवरी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए, उत्तर प्रदेश पुलिस अब अलर्ट पर है। जी बिल्कुल अमृता जी, 26 जनवरी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ पुख्ता सुरक्षा की व्यवस्था को देखते हुए मद्देनजर वहां पे पूरी तरीके से फोर्स तैनाती की बात की है। वहां पे पीएससी जवान के साथ साथ वहां उनके अधिकारी भी तैनात रहेंगे, क्योंकि सुरक्षा बहुत बड़ा मायने रहा है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के दृष्टि से देश का सबसे बड़ा सूबा है, तो ऐसी स्थिति में आप होने 26 जनवरी को लेकर काफी अच्छा सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आसपास जहां भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र, वहां पे भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप पुलिस बल मौजूद रहेगा। सोशल मीडिया पे भी निगरानी रखी जा रही है। वहीं अगर होटल्स की बात करें, जो बड़े बड़े होटल्स हैं या जहां लोग आके रुकते हैं, तो वहां पे भी छानबीन चल रही है। लोगों को निगरानी की जा रही है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्योंकि अभी बीते कुछ दिन पहले एयरपोर्ट को उड़ाने की जिस प्रकार से धमकी मिली थी, उसको देखते हुए सरकार और अलर्ट है। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि 26 जनवरी के मौके पर काफी भीड़ होती है विधानसभा के आसपास, विधानसभा के अंदर बनाया जाता है ये चीजें, तो उसको देखते हुए पूरी तरीके से सरकार सक्रिय है और सुरक्षा को पूरा इंतजाम किया जा रहा है। वहां पे पहले से ही पुलिस बल और गश्त किया जा रहा है, उनको ट्रेन किया जा रहा है। आज सुबह फुल परेड रिहर्सल इन दौरान ट्रैफिक डाइवर्ट भी रहेगा, जिसके चलते कि लगातार कि किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो और सही तरीके से 26 जनवरी लोग मना पाए और विधानसभा में भी मनाया जा सके। बिल्कुल संजय, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि पुलिस अब अलर्ट पर है, लगातार निर्देश भी दिए गए अधिकारी और पुलिस प्रशासन को, ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से भीड़भाड़ वाले इलाकों में तैनात किए गए हैं बड़ी संख्या में पुलिस बल, इसके साथ ही क्या किसी तरह की जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते भी हुए कोई गाइडलाइन जारी की गई है? जी बिल्कुल, गाइडलाइन जारी की गई। कहा गया है कि आप ऐसे भीड़भाड़ वाले जगहों पर बचे जाने से, जहां पे आया पहले जहां से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया वहां पे जाएं। और सरकार कुछ चीजों को चिन्हित की है कि जहां पे पूरी तरीके से सुरक्षा दिया गया है, जैसे कि जिसे आमोसी एयरपोर्ट को लेकर खास तैयारी की गई है, विधानसभा के आसपास चीजें देखी गई है, जहां भीड़ भाड़ होती है वहां पे पुलिस का पुख्ता इंतजाम किया गया, जिससे किसी भी प्रकार की कोई समस्या किसी को ना हो।
बने रहिए आप हमारे साथ संजय, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे। तो बता दें कि 26 जनवरी को लेकर अब उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट पर है। जिस तरह से पिछले दिनों एक युवक ने कॉल करी, धमकी दी थी एयरपोर्ट को उड़ाने की, जिसके बाद युवक को पकड़ा किया और ये बताया जा रहा है युवक से फिलहाल बातचीत की जा रही है, जांच की जा रही है और युवक विक्षिप्त बताया जा रहा है। लेकिन अब पुलिस बल, पीएस जवानों के साथ अधिकारी तैनात रहेंगे और इसके साथ ही लोगों के लिए भी ये गाइडलाइन जारी की गई, जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर जाने से बचा जा सके।